केजीएफ चैप्टर 2 के बाद हम सभी लोग रॉकी भाई की मूवी यस 19 का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। वैसे काफी समय से इस मूवी पर बातें चल रही हैं, पर मेकर्स की तरफ से अभी तक मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। ये मूवी सुपरस्टार यस की करियर की अब तक की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। लोगों के बीच इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है, लेकिन मूवी के मेकर्स की तरफ से अभी तक मूवी को लेकर कोई भी अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है। पता नहीं मेकर्स किस बात का इंतजार कर रहे हैं। रॉकी भाई की केजीएफ चैप्टर 2 के आए लगभग एक साल होने वाला है और अभी तक यश 19 मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। मेकर्स की तरफ से अभी तक मूवी की कास्टिंग को लेकर भी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मूवी की कास्टिंग को लेकर कुछ नाम ऊपर आए हैं। सुनने को मिल रहा है मूवी में साउथ की सुपरस्टार पूजा हेगड़े देखने को मिलने वाली है और बाकी कास्टिंग को लेकर अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, पर मूवी में रॉकी भाई मैन लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। अभी मेकर्स मूवी के डायरेक्टर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज में है। पहले सुनने को मिल रहा था कि इस मूवी को साउथ के जाने माने डायरेक्टर एस शंकर डायरेक्ट करने वाले, पर अभी अपडेट निकल कर आ रही है उन्हें भी अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। मूवी के डायरेक्टर को लेकर भी एक नाम सामने आ रहा है जो कि है पीएस मित्रान। यस 19 मूवी के डायरेक्टर के नाम में पीएस मित्रान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, पर इन्हें भी अभी 100% फाइनल नहीं किया गया है। पर बहुत ही जल्द मूवी को लेकर मेकर्स की तरफ से कास्टिंग और डायरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। वहीं मूवी के राइटर को लेकर भी काफी बढ़िया अपडेट है कि यस ही इस मूवी के स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, पर वो बात तो अलग है कि वो मूवी के स्क्रिप्ट लिखते वक्त किस राइटर की मदद लेंगे, लेकिन खुद मूवी की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। तो मूवी को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया है। सभी लोग इस मूवी को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। हो सकता है मेकर्स 2023 के लास्ट तक मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर दें, जिसके बाद ये मूवी हमें 2024 के लास्ट या फिर 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाए। लेकिन जब भी ये मूवी रिलीज होगी तो काफी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाने वाली है। तो दोस्तों आप सब यश 19 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।